ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। अपना पहले तो नाम चेंज करने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, आज बहुत आनंद आया अंदर से। अब जैसे मैं आपको बताने वाला था आज, सबसे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको ही बोलने वाला था आज। आज पहली बार आप रिसेप्टिव थी। हमेशा मैं पूनम जी हो गई, स्वरूप जी हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आप सबको कभी कभी, हमेशा नहीं, हर सेशन में नहीं, कभी कभी मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए कभी कभी एनर्जी ट्रांसमिट करता था। एक पांखुड़ी जी भी है, वो कभी कभी ज्वाइन करती हैं, और बाकी लोग भी हैं, हर कोई एक है, कोई जाता वो नहीं है मेरे लिए। पर जो कैमरा ऑन करता है, जो कैमरा ऑन नहीं करता, आई कैनॉट हेल्प। तो स्वरूप जी रिसेप्टिव हैं, आप पूनम जी रिसेप्टिव, आप रिसेप्टिव नहीं थी अभी तक, मतलब मैं भेजता था पर आप उसको रिसीव नहीं करती थी। आज पहली बार थोड़ा सा आपने रिसीव किया उसको। अब लोग पूछेंगे रिसेप्टिव कैसे होना है जी, तो इसमें कोई जी फॉर्मूला नहीं है इसका। रिसेप्टिव का मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक एग्जिस्ट करते हो बस आप, दैट्स इट। जैसे एक इन्फेंट बच्चा होता है जो पैदा होता है, इन्फेंट, वो बस ऊपर देख के हंसता रहता है छत को, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, मतलब नो डिजायर, नथिंग, बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी। तो आपको वैसा इन्फेंट की स्टेज में जाना है, कुछ भी आए, कुछ भी बॉडी से जाए एनर्जी, आपको ऑब्स्ट्रक्शन उसमें क्रिएट नहीं करनी अपने माइंड की। तो वो पहली बार आज थोड़ा सा आप में कम हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा रिसीव हुआ आपको। तो हाँ, ये आपने बोला उससे पहले मैं आपको बोलने वाला हूँ। हाँ बोलो। एक दो हफ्ते पहले से मेडिटेशन करती सर, जैसे अंदर से किसी ने बोला कि परेशान मत करो, करने दो, एक मेरी वॉइस में। अच्छा, और एक चीज और मैं आपसे लास्ट वीक भी पूछना चाहता था, आपको कुछ ऐसा है इस लाइफ में कि आपको महावतार बाबा जी के बारे में आपने सुना हो, कोई लिंक हो, आपने कभी कहीं से सुना हो? क्योंकि आप महावतार बाबा जी की थोड़ी सी आपके ऊपर कृपा है जो मुझे पता चला है। आपने कभी सुना है महावतार बाबा जी नाम का कोई योगी? अब मेडिटेशन करने के बाद सुना है, उससे पहले मुझे नहीं पता। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आपको ऐसे कुछ हेल्प महसूस हुई हो, पर आपको पता नहीं कैसे, किसने आपको हेल्प किया, क्या किया, किसी भी चीज में एनर्जेटिकली? तो कभी महसूस नहीं किया सर, पर जैसे मैं आपको बोली कि मैं हेमी सिंह के मेडिटेशन करते थे, वहां तो वो अपने बोलते रहते हैं, उनके डायरेक्शन हिसाब में हम चलते हैं, मगर उनके ये से चल रही थी, मगर वहां भी मेरे को महाअवतार बाबा जी जैसे वो बैठे हुए दिखते थे वहां। तो ऐसा तो कभी, और जैसे आप बोल रहे हैं वैसे महसूस नहीं कभी। ठीक है, तो जैसे आज आपने मेरी थोड़ी सी एनर्जी जैसे आपने रिसीव करी पहली बार, आपको चाहे पता भी ना हो, तो अपने आप को एक बच्चे की तरह, इन्फेंट की तरह, जब आप मेडिटेशन में जाती है, इन्फेंट की तरह रहना, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करनी, जितना वो करोगी आप, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी स्वरूप जी, प्लीज प्लीज पूछिए।